Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome to another vlog. Hopefully you all are doing great and safe. So today our last day in Lahore and we are going to buy some souvenirs and going to dine out in a royal restaurant. So stay tuned and let's go. हम इधर आए हैं फूड स्ट्रीट पे. लाहौर की फूड स्ट्रीट बहुत ही फेमस है और आप लोग भी मोस्टली गए ही होंगे सब लोग. हम अंदर जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं. ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे आके. इतना अच्छा सा एनवायरनमेंट लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सूदिंग सा. थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही है और ये सारे रेस्टोरेंट हैं. बस हवेली हम लोग 3 दफ़ा जा चुके हैं इसलिए हम लोग हवेली नहीं जा रहे हैं. हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं. देखिए ये लोग सब उधर फोटोग्राफी के लिए रुक गए हैं. एक यहाँ पर ये स्टॉल है मटका तंदूरी चाय का. इधर कश्मीरी चाय और ये सारी चाय मिलती हैं, कॉफ़ी वगैरह सब मिलता है. और बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा इन्होंने ये बनाया हुआ है जगह को, बहुत क्यूट लग रहा है. अभी हम लोग पहले जाएंगे जो हमें काम करना है, यहाँ से सोवेनियर्स लेने हैं वो लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आकर ट्राई करेंगे इसको. एंटी शॉप है यहाँ पर जो यहाँ पे सोवेनियर्स मिलते हैं, जमा वगैरह मिलते हैं. क्या प्राइस है? 350 ईच. सॉरी और इन सब की क्या प्राइस है? हाँ तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलती हैं, एंटीक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर. और जो मैग्नेट्स हो गए, जो भी पाकिस्तान के सोवेनियर्स होते हैं वो सब मिलते हैं. तो हमें यही सब चीज़ें लेनी थी तो हमने जल्दी से ले लिया था. ये लाइन से कोई 3 दुकानें 3 या 4 शॉप्स हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर. लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा ही हाई है क्योंकि एंटीक है तो उसके रेट्स भी बहुत हाई हैं. तो हमने जो चीज़ें हम लोगों को लेनी थी फिर हमने वही दिया. इधर से हमने मैग्नेट्स लिए, की चेन्स लिए और कुछ गिफ्ट देने के लिए. तो अच्छी लगती है सारी चीज़ें. ज्वेलरीज वगैरह नहीं ली क्योंकि वो यहाँ पर भी मिल जाती हैं सेम, तो इसलिए ज्वेलरीज वगैरह नहीं लेनी थी, हमें सिर्फ एंटीक चीज़ें लेनी थी. ये बहुत क्यूट लग रहे थे लेकिन ये कुछ 5000 के करीब था. मीनारे पाकिस्तान रेट्स काफ़ी हाई थे यहाँ पर और इतना रश भी नहीं था शॉप्स वगैरह पे. तो हम लोगों को देर हो रही थी, अब हम लोगों को डिनर करने जाना था तो जल्दी जल्दी से हम लोग ने चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग निकल गए थे.
यहाँ पर रेस्टोरेंट था बहुत ही प्यारा सा, कलरफुल सा, तो वहाँ हम रुक गए थे। कुछ ऐसी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खा खाए तो बच्चों ने मंगवाई थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ट्राई की यहाँ की स्पेशल खीर, बहुत प्यार ही है। हाँ, इसमें प्यार कर सकते हैं आपको पता है। हाँ, बाकी आपने मुझे इतना घुमाया, कभी काशिप भाई के साथ कभी कैफे जाना है, कभी यहाँ जाना है। याद है वहाँ से पैसे लेते थे कैफे जाना है, कौन सा कैफे जाते हैं? ये है यहाँ की स्पेशल फीनी, ट्राई करते हैं इसको। बहुत यम्मी है, बहुत मजे की। ये यहाँ पर इन्होंने फोटो सेशन भी रखा हुआ है। यहाँ पे ये है इनके ड्रेसेस होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ये पहनते हैं और यहाँ पिक्चर लेते हैं। ये देखें यार गाइस, ये देखें कितने ज़बरदस्त है। और पीछे जो व्यू आ रहा है ना बीच में गाशाई मॉल का, बड़ा ज़बरदस्त है। पोएट कैफे यार, ये दो बहुत मेन कैफे मतलब वो हैं रेस्टोरेंट्स हैं दो, एक है कैफे पोएट और दूसरा है ये रॉयल बुंदू खान। इधर भी हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ पर और होपफुली कि यहाँ पर हम लोगों को टेबल मिल जाए, क्योंकि ये रिजर्वेशन बेस्ड है, पहले से रिजर्वेशन करानी पड़ती है जो कि हमने नहीं कराई है। तो देखते हैं कि मिलती है जगह कि नहीं। बहुत ही कोई खूबसूरत प्लेस है ये, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है व्यू इधर से। बाबे बदले बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ है इसको, बहुत अमेजिंग है माशाल्लाह। यहाँ पे लाइव म्यूजिक सेशंस भी होते हैं। वो किचन है, किचन भी सामने ही है, यहाँ हम लोग बैठे हैं। एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। जो ये मेन्यू है बहुत ही रॉयल के सबका डिफरेंट सी वर्डिंग्स वाला अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। इब्तदा स्टार्टर्स को ये इस तरह से लिखा हुआ है, शोरबे सैलड्स। Happy birthday to you.
वेज करूं? डबल हो? नहीं भाई वेज लेना, नहीं भाई नहीं नहीं भाई, अब डर लग रहा है लेकिन कैसे रही देखो। ओ माय गॉड, नहीं ये बड़ी लग रही है, लाइफ तो बहुत ही बड़ी लग रही है। बैठो आगे बैठो, नहीं ठंडी ग्रास हो रही है, वर्षेरी में इनके साथ बैठूंगी। राइट उल्टी चल देखा मीनारे पाकिस्तान के पास लेके जाएंगे शायद। सर्दी बहुत सर्दी लग रही है, इतनी स्पीड में लेके जा रही हैं, बहुत सर्दी लग रही है। यहीं पे तो होता है डांसिंग कॉम्पिटिशन। हाँ मीनारे पाकिस्तान बहुत ही, तो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा है, और एक तरफ से बादशाह प्यारा लग रहा है ना पीकॉक। बहुत सर्दी लग रही है, वाओ। तो उसने बिल्कुल ही जाकर मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने उसने स्टॉप कर दिया था, और हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद हम वापस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, तो हमारा बहुत, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत। ये सब जो है वो शाम के टाइम इतना कोई खूबसूरत लग रहा होता है, रात में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली लाइट्स ऑफ थी। कोई हसीन और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बस अभी जो है वो टाइमिंग ऑफ हो चुकी है, बंद हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ये बात शेक हो रही है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लाइव हम देख रहे हैं ना वो बहुत ही ऑसम। और जो यहाँ पे ठंड हो रही है इस वक्त, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में आए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो बहुत ही सर्दी लग रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, फूड एक्सपीरियंस भी, उसका एम्बियंस इतना रॉयल वाला था, और उनके साथ इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री दी उन्होंने, ये राइड पिक्चर्स पैरेट्स के साथ, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। वापसी में हम लोगों को मिठाई वगैरह लेनी थी घर के लिए, कुछ स्वीट्स लेनी थी, तो हम उधर आ गए थे, ब्रश को अम्मी लोगों के लिए लेनी थी, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। रसगुल्ले, ये अच्छा लग रहा है, ये कितने ग्राम लग रहे हैं, काजू कतली मुझे ट्राई करनी थी, ये बहुत प्यारा लग रहा है, मटकी ना, उससे उनसे पूछ के हो जाके प्राइस, वो कह रहे हैं उनसे पूछ। हाँ अच्छा लगेगा, बस पर्पल बॉक्स में ऑरेंज में भी अच्छा लग रहा है, पर्पल छोटा नहीं है ना, बड़ा है। यहाँ से पेस्ट्रीज ली थी मैंने, बहुत ही कोई मज़े की पेस्ट्रीज थी, हाँ स्वीट्स मुझे इतनी कोई अमेजिंग नहीं लगी। जब हम लोग घर गए तो उसके बाद हम लोग रात में फिर से निकल गए जीज के साथ, हम लोग आए यहाँ जेबीज पर कॉफ़ी पीने, और हम लोग को बहुत मज़ा आया, रात का 1 बज रहा था आई गेस। ये ब्राउनी विथ आइसक्रीम है,
मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी, वर्ज ने ओरियो शेक मंगवाया था और हॉट चॉकलेट मंगवाई थी। ये हम अभी रात के 1 बजे पान खा रहे हैं। हम लोगों को बहुत मज़ा आया यहाँ पर लाहौर में। हम लोग का बहुत शॉर्ट ट्रिप था लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे तो मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर से जाएंगे दोबारा। और आई होप कि आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगें, तो वीडियोज़ अच्छी लगें तो थम्स अप भी दिया करें, वीडियो को लाइक करा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।